बिग बॉस सीजन 18 के वीकेंड के वार पर सलमान ने दिया एविक्शन का ये बड़ा अपडेट। इस वीकेंड नहीं होगा मिडवीक एविक्शन। बग्गा और कशिश को मिली एक बार फिर बड़ी राहत। सलमान खान ने लगाई एक एक करके कंटेस्टेंट की बड़ी क्लास। दिया सरप्राइज विवेन दी सेना को। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों सलमान खान वीकेंड के वार पर भले ही इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर नहीं आए हैं लेकिन कई सारे कंटेस्टेंट की क्लास लगाते नजर आए। सबसे पहले तो अविनाश और दिग्विजय की क्लास लगी जींस देकर, जींस फाड़ने को लेकर। जो जींस रजत दलाल ने फाड़ के दिखा दिया वही जींस अविनाश और दिग्विजय की हवा निकल गई और वो नहीं फाड़ पाए। जिसके बाद सलमान खान ने कहा कि कभी तुम्हें आता जाता हुआ बच्चा भी लपेट जाएगा, तो इस तरीके की हरकतें बार बार तुम लोग मत करो। जिस तरीके से तुम कर रहे हो कि बीच से फाड़ दूंगा, कितने लोगों को फाड़े हैं तुम दोनों ने, अगर मैं घर में आ गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। जिसके बाद दिग्विजय और अविनाश दोनों ने ही माफी मांगा है सलमान खान के सामने अपने बिहेवियर को लेकर। और सलमान खान ने तो दिग्विजय पर यह आरोप भी लगा दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी करते हैं ताकि ये दोनों दिखें। अविनाश में भी यही कमियां हैं और यही कमियां दिग्विजय में भी नजर आ रही है। हालांकि सलमान खान इसके बाद जो है वो ईशा सिंह पर भी भड़कते नजर आए। वो ईशा सिंह जो बिग बॉस के ही खिलाफ वीकेंड के वार पर बात करती नजर आ रही थी कि तेजेंद्र बग्गा और कशिश को बचा लिया है एक बार फिर से बिग बॉस ने। हालांकि सभी को पता है कि बग्गा को सबसे कम वोट मिल रहे थे लेकिन सलमान खान ने और बिग बॉस ने एक बड़ी चाल चली है। बिग बॉस ने साफ कर दिया है कि इस वीकेंड नो एलिमिनेशन, किसी भी कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन सलमान खान ने कहा कि याद रखना इसी वीक के मिड वीक होने वाला है एविक्शन और एक नहीं दो एविक्शन होगा, तो तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ और अपनी कमर कस लो। जिसने भी गलतियां की हैं वो अपनी गलतियां अगर सुधार सकता है तो सुधार लो, गेम में लौट आओ, वरना इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। ईशा सिंह को लेकर सलमान खान ने कहा कि ईशा तुम कितनी बड़ी दोगली हो, तुम्हें कितनी बड़ी चुगली करने की चूल है कि तुम बिग बॉस के ही खिलाफ बैक बीचिंग कर रही हो। सब लोग बाहर कहते हैं कि विवेन, अविनाश और ईशा एलिश लाडले हैं बिग बॉस के, लेकिन यहां पर तो तुम हमारे साथ काम करके हमी को बदनाम कर रही हो। तुम ये कहती हो कि इस बार बग्गा और कशिश में से कोई एक जाने वाला था लेकिन बिग बॉस ने अपनी गंदी चाल चल दी है। अविनाश के साथ तुम्हें इस तरीके की बातें कर रही थी तो तुम पर किस तरीके से हम ट्रस्ट करें। ईशा सिंह जिसके बाद बिल्कुल चुप हो गई, ईशा के पास कोई जवाब नहीं था। सलमान खान ने करणवीर और शिल्पा में भी आग लगा दी है। हालांकि करणवीर को एक्सपोज कर दिया है, ब्रूटली एक्सपोज कर दिया है सलमान खान ने। शिल्पा को एक चिट्ठी दी जहां पर शिल्पा के सामने ये बातें साफ हो गई कि किस तरीके से रजत लाल के पास जाकर वही करणवीर मेहरा जो शिल्पा जी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आखिर करणवीर मेहरा ने क्यों कहा रजत दलाल को कि जो किया वो बहुत ही अच्छा किया। जिसके बाद सलमान ने कहा कि करणवीर तुम आखिर इस घर में किसके हो, तुम अगर शिल्पा जी के नहीं हो तो तुम किसी के भी नहीं हो। शिल्पा तुम्हारा गेम बहुत अच्छा जा रहा है लेकिन तुम्हें कुछ लोगों को सुधारने की जरूरत है और कहीं पर रिश्तों को खत्म करने की भी जरूरत है। जहां पर सलमान खान हिंट देते नजर आए करणवीर मेहरा से दूर रहो, और करणवीर मेहरा लगातार चुगली आंटी बने हुए हैं घर में एक बार फिर। विवेन दिसेना को सलमान खान ने दी है बड़ी सलाह। सलमान ने कहा कि विवेन तुम्हें चुगली गैंग से दूर रहना चाहिए और तुम्हारा गेम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है इसीलिए हर कोई तुम्हारे पास आएगा, हर कोई तुमसे टीआरपी लेना चाहेगा। इवन चाहत जो भी हरकतें कर रही है भाई, साफ दिख रहा है कि चाहत क्या करने की कोशिश कर रही है। चाहत तुम्हारा भी गेम काफ़ी ब्रिलियंट है, लास्ट वीक से अच्छा तुम परफॉर्म कर रही हो लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि तुम बार बार कॉफ़ी मांगोगी, और जनता तो बेवकूफ़ है, तुम बार बार जा रही हो ग्रीन कॉफ़ी के लिए, ब्लैक कॉफ़ी के लिए। देखो विवेन के साथ तुम दोस्ती बढ़ा सकती हो दिखने के लिए, या फिर तुम ये कहो कि लाइमलाइट में आने के लिए तुम ये सारी चीज़ें कर रही हो, लेकिन तुम में एक बहुत ही अच्छी खूबी है कि तुम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, तुम इंडिविजुअल गेम को खेल रही हो और मुँह पे बोलने की तुम हिम्मत रखती हो जो इस घर में बहुत लोग नहीं रखते हैं। सलमान खान ने तारीफ की है चाहत पांडे की और विवेन दिसेना की। सलमान खान ने रजत दलाल को भी एक बड़ी सलाह दी है कि रजत तुम में है तो बहुत दम लेकिन तुम उस दम को कहीं ना कहीं बेकार कर रहे हो। दिग्विजय राठी के साथ मिलकर तुम जो कर रहे हो वो सारी चीजें नजर आ रही है। दिग्विजय तू भी सुधर जा वरना ऐसा ना हो कि रजत दलाल तुझे भी चाट जाए, क्योंकि रजत यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पर फोकस कर रहा है और तू रजत की बातें सुनकर कभी अविनाश से पंगे, कभी विवेन से पंगे, तूने उन्हीं लोग को दुश्मन बना लिया है जिसके दुश्मन रजत दलाल हैं। तो फिलहाल के लिए दिग्विजय को एक बड़ा क्लियरिटी चेक दिया है सलमान ने कि रजत दलाल के साथ थोड़ा सा बीच बचाव करके रहना ज़रूरी है। वेल, सलमान खान के इस बयान पे आपका क्या है ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।